Good morning, children. How are you all? Hope all are you fine and safe. Myself, your computer teacher. Today, I am going to teach a computer subject. In computer subject, I will teach new topic. न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जितनी भी वीडियोस और आप लोग का जितने भी क्लास वर्क होमवर्क जाते हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में डन करते हैं? सारे बच्चे डन करते हैं। और जितनी वीडियोस जाती है उसको देखने के बाद उसमें नेम, क्लास, सेक्शन आप लोग को क्या करना है, मेंशन करना है। मेंशन करने से क्या होगा, आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। ये भी तो एक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो सारे बच्चों को नेम, क्लास और सेक्शन मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में जाके। ओके बच्चों, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, देखते हैं कि आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में मेंशन करना है क्लासवर्क, रिवीजन, डेट डालना है 6/8/2020, हेडिंग डालना है टिक द करेक्ट आंसर। आप लोग को आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर का मतलब क्या होता है, टिक द करेक्ट आंसर का मतलब होता है एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके चार ऑप्शन रहते हैं, चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही रहता है उस क्वेश्चन का उस पे क्या करना रहता है, टिक करना रहता है। जैसे कि पहला आप लोग क्वेश्चन देखिए, ये चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन नन का होता है, नन का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। समझ में आया? चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है विच इज नॉट अ मशीन। विच इज नॉट अ मशीन का मतलब क्या होता है, इसमें से कौन मशीन नहीं है। मशीन मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना मशीन क्या होता है, तो इन चारों में से कौन मशीन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कूलर। कूलर क्या है, मशीन है कि नहीं है, है ना, वेरी गुड। सेकेंड ऑप्शन क्या है, कैप। जो कैप हम लोग सर में पहनते हैं वो क्या है, मशीन है कि नहीं है। मशीन नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे टिक कर देंगे। समझ में आया? थर्ड ऑप्शन क्या है, फैन। फैन भी एक मशीन है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ है नन। नन मतलब होता है इन तीनों में से कोई नहीं। समझ में आया? इसी को बोलते हैं टिक द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है विच मशीन इज कॉल्ड अ कंप्यूटर। इन चारों में से कौन से मशीन को कंप्यूटर बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, डेस्कटॉप। सेकंड ऑप्शन है कार। थर्ड ऑप्शन है टेलीविजन। फोर्थ ऑप्शन है नन। अब चारों ऑप्शन में बताइए कि इन चारों में से किसको कंप्यूटर बोला जाता है। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंप्यूटर को हम लोग डेस्कटॉप भी बोलते हैं, तो क्या करेंगे, इस पे हम लोग टिक कर देंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मॉनिटर हेल्प्स अस टू डैश थिंग ऑन द कंप्यूटर। मॉनिटर हमारी किस चीज में मदद करता है कंप्यूटर में, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस क्या है, फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। क्या हम लोग मॉनिटर उड़ने में मदद करता है, नहीं ना। सेकंड, सेकंड क्या है, सी। सी मतलब होता है देखना। कंप्यूटर में हम लोग का मॉनिटर क्या हेल्प करता है, देखने में हेल्प करता है, वेरी गुड। कंप्यूटर में हम लोग का मॉनिटर देखने में हेल्प करता है, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। तो इस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। थर्ड ऑप्शन है टाइप। टाइप तो हम लोग कीबोर्ड से करते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है नन। नंबर फोर है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इन चारों में से कौन सा कंप्यूटर्स का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शंस पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि कंप्यूटर्स का पार्ट कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सीपीयू। सीपीयू तो कंप्यूटर का पार्ट होता है। सेकंड ऑप्शन है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी कंप्यूटर का पार्ट होता है। थर्ड ऑप्शन है बर्ड्स। बर्ड्स मतलब क्या होता है, चिड़िया। चिड़िया क्या कंप्यूटर का पार्ट है, नहीं ना। तो ये क्या है, राइट ऑप्शन है। तो इस पे क्या कर देंगे, इस पे टिक कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन है नन। नन मतलब तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव है अ टैबलेट इज आल्सो कॉल्ड अ डैश। टैबलेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, चलिए चार ऑप्शन पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस पे टिक करेंगे। तो क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन। आयरन मतलब होता है प्रेस। क्या हम लोग टैबलेट को प्रेस बोलते हैं, नहीं ना। तो ये क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है टैब।
हम लोग टैबलेट को टैब भी बोलते हैं. वेरी गुड, टैब इज द राइट आंसर. तो हम लोग क्या करेंगे, टैब पे टिक कर देंगे. ओके, थर्ड ऑप्शन है हम लोग का मोबाइल. क्या हम लोग टैबलेट को मोबाइल भी बोलते हैं? नहीं ना, मोबाइल अलग चीज होती है, टैबलेट अलग चीज होती है, मोबाइल अलग चीज होती है. और फोर्थ ऑप्शन है नल. समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स पे. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी यूज टू मेक जूस. अब इसमें क्या बोल रहा है, इन चारों में से कौन सी मशीन हम लोग की जूस बनाने में हेल्प करती है. तो क्वेश्चन आप लोग ने पढ़ा, क्वेश्चन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया. अब चार ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन राइट होगा उस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एरोप्लेन. क्या एरोप्लेन जूस बनाने में काम में आता है? नहीं ना. सेकेंड ऑप्शन है स्विंग मशीन. स्विंग मशीन मतलब होता है सिलाई वाली मशीन. सिलाई वाली मशीन से क्या हम लोग जूस बनाते हैं? नहीं ना. थर्ड ऑप्शन है जूसर मिक्सर. जूसर मिक्सर क्या हम लोग का हेल्प करता है जूस बनाने में? वेरी गुड. तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. तो इस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. ऑप्शन है नन. नन मतलब होता है इनमें से कोई. नन है सीपीयू इज द डैश ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू कंप्यूटर का क्या है? चार ऑप्शन दिया है, हैंड, आईज, ईयर्स या ब्रेन. आप बताइए सीपीयू कंप्यूटर का क्या है? वेरी गुड, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है. तो हम लोग किस पे टिक लगाएंगे, ब्रेन पे टिक लगाएंगे. समझ में आया? जैसे हम लोग का दिमाग हम लोग के पढ़ने में मदद करता है, वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू क्या है, उसका दिमाग है. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर एट है, मशीन्स मेक्स अवर वर्क डैश. मशीन्स हमारे वर्क, हमारे काम को क्या करता है? चलिए चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं. समझ में आया? पहला ऑप्शन है इजी, सेकंड ऑप्शन है हार्ड, थर्ड ऑप्शन है डिफिकल्ट, फोर्थ ऑप्शन है नन. तो मशीन्स हमारे काम को क्या करता है, सरल बनाता है. तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा राइट होगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा. इजी मतलब होता है सरल. तो इस पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच मशीन इज यूज्ड आउटसाइड द हाउस. इन चारों में से कौन सी मशीन घर के बाहर यूज की जाती है? पहले चार ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन सी मशीन है जो घर के बाहर यूज की जाती है. पहला है एसी. एसी मतलब होता है एयर कंडीशनर. एसी कहाँ यूज होती है? घर के अंदर यूज होती है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन है वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धुलते हैं. तो कपड़ा कहाँ धुलते हैं, घर के अंदर धुलते हैं कि घर के बाहर धुलते हैं? घर के अंदर धुलते हैं ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन है ट्रक. ट्रक हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ट्रक हम लोग बाहर यूज करते हैं. ट्रक हमेशा सड़क पे चलती है, रोड पे चलती है. तो ये आंसर क्या होगा, राइट होगा. तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, क्वेश्चन नंबर टेन है, कंप्यूटर आर यूज टू बुक टिकट एट डैश. कंप्यूटर से हम लोग कहाँ पे टिकट्स को बुक करते हैं? चार ऑप्शन दिया है, पहले पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में हम लोग कंप्यूटर में टिकट्स को बुक करते हैं? नहीं ना. सेकंड ऑप्शन है बैंक्स. बैंक्स में हम लोग टिकट बुक करते हैं? नहीं ना. थर्ड ऑप्शन है एयरपोर्ट्स. एयरपोर्ट्स में हम लोग टिकट बुक करते हैं? वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. तो इसपे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. समझ में आया आप लोग को? इसी तरीके से टिक द करेक्ट आंसर आप लोग को करना रहता है. ओके बच्चों, चलिए मैं आप लोग को एक बार इसको पढ़ा देती हूँ. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मशीन. इन चारों में से कौन मशीन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कूलर, सेकंड ऑप्शन है कैप, थर्ड ऑप्शन है फैन एंड फोर्थ ऑप्शन है नन. तो इन चारों में से कौन मशीन नहीं है? कैप मशीन नहीं है. तो इसलिए इसमें हम लोग ने क्या कर दिया, टिक कर दिया. सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच मशीन इज कॉल्ड अ कंप्यूटर. इन चारों में से हम लोग कंप्यूटर को और क्या बोल सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है डेस्कटॉप, सेकंड ऑप्शन है कार, थर्ड ऑप्शन है टेलीविजन, फोर्थ ऑप्शन है नन. तो हम लोग कंप्यूटर को और क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हम लोग डेस्कटॉप भी बोलते हैं. समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ मॉनिटर हेल्प्स अस टू डैश थिंग ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर में मॉनिटर हम लोग की क्या मदद करता है? तो चार ऑप्शन दिया है, चलिए पढ़ते हैं. फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना. उड़ने के लिए तो काम नहीं आता है हम लोग का मॉनिटर. सेकंड ऑप्शन है सी. सी मतलब होता है देखना. कंप्यूटर में हम लोग मॉनिटर का किस लिए यूज करते हैं? देखने के लिए यूज करते हैं. समझ में आया? थर्ड ऑप्शन है टाइप. टाइप मतलब होता है जिससे हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं. तो टाइप भी ऑप्शन राइट नहीं है. फोर्थ ऑप्शन है नन. नन मतलब होता है कुछ नहीं. तो चारों ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन सा है बच्चों? सी. सी इज द राइट ऑप्शन. इसलिए इस पे क्या किया है, टिक लगाया गया है. ओके,
क्वेश्चन नंबर फोर है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, इन चारों में से कौन कंप्यूटर का पार्ट्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीपीयू, सेकंड ऑप्शन है कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है बड्स, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो कंप्यूटर का पार्ट्स कौन नहीं है? बड्स। बड्स जो है कंप्यूटर का पार्ट्स नहीं है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, अ टैबलेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश, हम लोग टैबलेट को और क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड ऑप्शन है टैब, थर्ड ऑप्शन है मोबाइल, फोर्थ ऑप्शन है नन। टैबलेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी यूज टू मेक जूस, कौन सी मशीन हम लोग की जूस बनाने में काम में आती है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? एरोप्लेन। एरोप्लेन हम लोग की जूस बनाने में काम में आती है? नहीं ना। सेकंड ऑप्शन है स्विंग मशीन, थर्ड ऑप्शन है जूसर मिक्सर, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो हम लोग की कौन सी मशीन जूस बनाने में काम में आती है? हम लोग की जूसर मिक्सर जूस बनाने में काम में आती है, इसलिए इस पे क्या कर दिया है? टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, सीपीयू इज द डैश ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू क्या है कंप्यूटर का? हैंड है, आईज है, ईयर्स है या ब्रेन है? तो सीपीयू क्या है? ब्रेन है। तो इस पे क्या कर दिया गया है? टिक लगा दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर एट क्या है, मशीन्स मेक्स अवर वर्क डैश, मशीन हमारे काम को क्या करती है? कठिन बनाती है कि सरल बनाती है? सरल बनाती है ना, मशीन से हम लोग जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं ना। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इजी, सेकंड हार्ड, थर्ड डिफिकल्ट, फोर्थ नन। तो हम लोग ने किस पे टिक लगाया है? इजी पे, क्योंकि मशीन हमारे काम को सरल बनाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, विच मशीन इज यूज्ड आउटसाइड द हाउस, ऐसी कौन सी मशीन है जो हम लोग घर के बाहर यूज करते हैं? फर्स्ट क्या है? एसी। एसी मतलब होता है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर तो हम लोग घर में यूज करते हैं। सेकंड क्या है? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन भी हम लोग घर में यूज करते हैं। थर्ड क्या है? ट्रक, ट्रक जो होता है हम लोग रोड पे यूज करते हैं, बाहर चलाते हैं। फोर्थ क्या है? नन, नन मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों में थर्ड ऑप्शन राइट है, इसलिए हम लोग ने ट्रक पे टिक किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, कंप्यूटर्स आर यूज टू बुक टिकट एट डैश, हम लोग कंप्यूटर में टिकट्स कहाँ पे बुक करते हैं? चलिए चार ऑप्शन दिया, पहले पढ़ते हैं। हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, एयरपोर्ट्स में या स्कूल्स में? हम लोग कंप्यूटर में टिकट्स कहाँ बुक करते हैं? एयरपोर्ट्स में। समझ में आया? इसी तरीके से आप लोग को टिक द करेक्ट आंसर करना है, जब जब आप लोग के टेस्ट या पेपर में आएगा पहले उसको पढ़ना है, समझना है, फिर चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन राइट होगा उस पर टिक करना है। ओके बच्चों, और एक चीज आप लोग से और बोलना चाहते हैं, जितनी वीडियोस जाती है आप लोग को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम, क्लास, सेक्शन जरूर मेंशन करना है, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। ओके बच्चों, और जितनी भी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाती है उसको डे बाय डे रिवाइज करिए। रिवाइज करने से क्या होगा? रिवाइज करने से ये होगा कि जब आप लोग की टेस्ट या एग्जाम में वो चीजें आएगी वो आप लोग भूलेंगे नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।